नमस्कारम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच सन्यासः कर्मयोगश्च निहि श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ये यस्य नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। उपर्युक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखं आप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना सन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।